तो वो एक्चुअली पीछे पेड़ देख रहे हैं। मैं और प्यूमशी डिसाइड कर रहे थे कि तो गाइस यार वेलकम बैक सभी लोग अंशु बिश व्लॉग्स में। आज हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा गोला पार्क की साइड को। दीदी को आज मैं कार सिखाने वाला हूँ और बाकी सुबह के 9 बज रहे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं नॉर्मली ऐसे उठता हूँ 12 बजे, झूठ क्या बोल रहे हैं। तो आज 9 बजे उठे हुए और फटाफट से निकलते हैं। गाड़ी वाड़ी तो एकदम चमक रही है, उस दिन पापा ने साफ करी थी तब से साफ ही है। थोड़ा सा इसको कोल्ड स्टार्ट मारते हैं। दीदी को गाड़ी सिखाते हैं, बहुत टाइम से बोल रही थी कि सिखा दो, तो मैं सोचा सिखा ही देते हैं। गुड मॉर्निंग जगुलिया। गुड मॉर्निंग। ऐसी पकड़े ना गेट को, गेट गाड़ी पे मत मार देना। आज मैंने जग्गू को गेट पकड़ने की ड्यूटी पे लगा रखा है यार, वो वहां पर अटक ही नहीं रहा है और गाड़ी भी खड़ी है ना, तो उसकी वजह से वो लग नहीं पा रहे। तो आज जग्गू ने पकड़ रखा गेट और बाकी दीदी अपना मास्क लेने गई है, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। कायदे से ना आज मैं दीदी को गाड़ी सिखाने वाला हूँ, बट दीदी को वैसे मैनुअल आती है। दीदी ने मैनुअल बहुत चलाई हुई है दिल्ली में, बट उसको ऑटोमेटिक नहीं आती। तो आज मैं एक तरह से उसको ऑटोमेटिक समझाने वाला हूँ कि कैसे काम करती है, और थोड़ी पावरफुल गाड़ी भी है तो थोड़ा वैसे समझाऊंगा कि आराम आराम से चलाए। बाकी देखते हैं जो भी रहेगा। और आज तो हम लोगों को बहुत सारा काम भी है, तो वो सारा भी काम निपटा लेंगे अपना। अब बस दीदी आ जाए फटाफट। बाकी अपनी गाड़ी तो फॉरएवर ब्यूटीफुल है भाई, कितनी प्यारी लगती है यार ये। और भाई मैं कमेंट देख रहा था कि गाड़ी क्यों बैठ रही है, क्योंकि तुम नजर लगा रहे हो गाड़ी पे। अबे यार ऐसे मत बोलो। ये क्या कर रही हो कि तू? गाइस इससे मैंने बोला वो शीशा देखना जरा सही है करके, तो ये शीशा देखने लग गई। मजाक कर रहा। तैयार है फिर गाड़ी सीखने के लिए? कितना नर्वस कर दिया अलग ही मुझे। चलते आज इसको गाड़ी सिखाते अच्छे से। तब टाइम है दीदी सिखाते हैं। ये रोड बहुत ज्यादा सुनसान है, इसलिए अब यहाँ पर दीदी को समझाएंगे कि गाड़ी कैसे चलानी, क्या करना। मतलब बेसिकली इसको खाली मेरे को बताना है कि कैसे क्या ड्राइव मोड वो सब चीजें, बाकी तो हो जाएगा। वो बेचारी रोड में खड़ी हो गई है। चलो चलते पहले हम लोग इस साइड बैठते, फिर बताता हूँ। चल दीदी अब देखिए ऑटोमेटिक है, पहले अपना जो लेफ्ट पैर है वो तो कोने में ही रख दे, बिल्कुल आगे को ले जाए और कोने में रख दे, ठीक है। हाँ इसको एकदम कोना कर दे, ये यूज नहीं होगा, राइट वाला खाली, ठीक है। अब देख पैर है थोड़ा सा राइट और लेफ्ट कौन सा होता है? चल अब पहले हैंड ब्रेक नीचे कर, ड्राइव अब हैंड ब्रेक नीचे कर, अब धीरे धीरे ब्रेक छोड़ना है, धीरे धीरे, ठीक है। चल धीरे धीरे, हाँ चल चल धीरे धीरे ब्रेक छोड़, ठीक है। ठीक है अभी ब्रेक पूरे छोड़ दिए, अब हल्का हल्का एक्सेलरेटर दे। गाइस जैसे कि मैं तुम लोगों को बता रहा था, दीदी को गाड़ी तो आती थी, बस उसको ऑटोमेटिक का समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मस्त हैज़ार्ड ऑन करके धीरे धीरे करके चला रहे हैं, और बाकी देखो अब क्या होता है। अरे मतलब क्या होता है, मतलब गलत नहीं यार, अच्छे में बोल रहा हूँ। वाह तो गाइस अभी दीदी ने काफी चला ली है। अभी हम लोग चोर, मेरे को याद नहीं है यार इस जगह पे, एक्चुअली यहाँ पर भी मैंने सीखी थी, तो अभी दीदी को थोड़ी बहुत सिखा दी है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर खड़ी करी हुई है गाड़ी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते, क्योंकि खाना खा के नहीं आए थे ना कुछ भी। तो काफी चला ली और दीदी ने अच्छी चलाई, 10 बज गए, 9 बजे हम लोग घर से निकले सोचो। तो दीदी पिछले 45 मिनट के आसपास चला ही रही है, मजा आ रहा था काफी आगे तक हम लोग आगे। अब चलते हैं फटाफट से, उसने खुद ही बोल दिया कि मैं थक गई थोड़ा सा, क्योंकि वो होता ना पहली बार गाड़ी चलाते, मैंने भी चलाई थी तो पहली बार में मेरे को भी ऐसी बात है कि थोड़ा सा ऐसा थकान सी लगने लग जाती है थोड़ी देर में। तो चलते हैं अब घर की तरफ को, अगर देखते हैं कुछ चाय वाय के लिए रुकेंगे तो रुक जाएंगे, वरना घर ही चलते हैं। बता भी दीदी कैसा लगा गाड़ी चला के? बहुत अच्छा, मजा आया। इससे मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है, इससे मैंने बोला यहाँ पर रोक दे थोड़ी साइड में, कह रही नहीं नहीं मैं दबा रही हूँ, मैं दबा रही हूँ, मैं दबा रही हूँ। वहाँ पीछे पीछे लिटरली तुम देखोगे ना पीछे ऐसे जैसे वो नहीं तो भाले भाले जैसे लगा रखे किसी ने अपने घर के लिए, डाले जा रही डाले। मैं कह रहा हूँ रोक रोक, मैंने कितनी प्यार से गाड़ी है देख, एकदम स्पेस, मतलब इतना स्पेस छोड़ा हुआ है। दी कितने साल से गाड़ी चला रही तू? हाँ थोड़ी सी भी लेफ्ट राइट होती ना सीधे उसी के ऊपर लगती है हमारी गाड़ी। प्यार से निकाली
मेजरमेंट सही करा और हाँ ये सबको ही लगता है कि मैंने जब तक गाड़ी लगती नहीं है ना तब तक सबको ऐसे लगता है मैंने सही चलाई, और जब लग जाती है उसके बाद यार सही कह रहे थे यार मेरे को करने नहीं चाहिए थी यार मैंने अच्छी गाड़ी बताई। अच्छा कितनी रेटिंग देगा मेरी उसको? ठीक है मतलब 3 तो दे दूंगा एटलीस्ट, 5 में से। अच्छा ठीक है 5 में से, मुझे लगा 10 में से। ना 5 में से 3 ठीक है, मतलब धीरे धीरे चलाएगी तो आदत हो जाएगी, और वैसे भी गाड़ी बड़ी है तो थोड़ा जजमेंट का तो रहता ही है। तो अभी चलते हैं कुछ चाय वाय का देखते हैं। तेरे को मेरी तरह पेट निकालना पड़ेगा यार। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चाय और बन मसाला और मैगी वैगी सब खा रहे हैं, है ना? मस्त होता है ना चाय वाय सब कुछ? हाँ थक गए ना दीदी मेरी, तो घर तक नहीं जा पा रही थी, तो हम लोग घर को बाईपास करके यहाँ तक आए हुए नैनीताल रोड में ऊपर। बहुत थक गई थी दीदी मेरी उज्जो। तो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं। अभी पापा यहाँ पर ना कुछ काम करवा रहे हैं, रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो इस वाले कमरे में एक्चुअली एक कॉलम खड़ा हो रहा है और ये वाली दीवार टूट रही है, ये शायद से तुम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग ज्यादातर मेरा जैसे कंप्यूटर का जितना भी वो डब्बे है वो सब है वो फेंक नहीं सकते ना, तो वो सारे के सारे मैंने वहां पे रखे हुए थे वो सब। और ये भैया को कोई मतलब ही नहीं है, घर में कोई आया है कोई गया है, भैया की नींदी खत्म नहीं होनी है, भैया की नींदी खत्म नहीं होनी है ना भैया? सजा पूरा देख रहा हूँ, यहाँ अंदर गद्दा है, यहाँ बाहर चटाई है, लेकिन सोना कहाँ है? वहां जमीन में। बहुत बढ़िया, हाँ पूछ ला रहा है लग के, हाँ भैया जमीन में ही सोना है वो देखो। यहाँ पर वन विभाग वाले अफसर लोग आए हुए हैं बहुत सारे, तो वो एक्चुअली पीछे पेड़ देख रहे हैं कुछ, तो पेड़ वेड़ क्या। बाकी भैया लोग बंदर पकड़ के लेके आए हुए कहीं से, तो ये कोई मदारी का बंदर लग रहा है, गले में कुछ है ना उसके, कहाँ से? मम्मी गिला गिला दिया उसको, जंगल में छोड़ने के लिए पकड़ के लेके आऊंगा ना, घर भर में चले गया होगा। ये पापा ने डाइनिंग टेबल वो बनाने के लिए दिया, मैडम देखो यहाँ पे कैसे बैठी, बहुत ही बढ़िया। क्या दिखाना अपना मस्त तरीका एक बार, कैसे बैठने का मस्त तरीका, ये देखो बैठने का मस्त तरीका। तो गाइस ये वाले पेड़ के लिए वो आए हुए थे, तो वो अभी इसको काटेंगे नहीं क्योंकि फंडिंग का भी रहता ना कि काटने के लिए वो सब चीज अच्छी होती है। तो ये पेड़ जो है ना ये यूकलिप्टस का पेड़ है शायद से, मुझे को पक्का नहीं पता है, तुम लोग बताना अगर तुम्हें देख के पता चल रहा है कोई है थोड़ा नॉलेज वाला तो वो। और ये पेड़ ना बहुत लंबा था, ये तो फिर भी देख रहे हो तुम थोड़ा सा कटा हुआ है, ये और लंबा था, पता बहुत लंबा था पहले तो हमने काट रखा है। एक बार यही पेड़ ना बरसात में बहुत ही खतरनाक वाला गिरा था, और दिखाऊं तुम्हें क्या हुआ था, ये देखो गिर के ये वाले इस पे लगा था दीवार पे, और ये पूरा देख रहे हो ये पूरा ऐसे टूट गया था, और साइड से भी ऐसे पूरा ये देख रहे हो ये क्रैक व्रैक पूरा का पूरा, ये इसी वाले पेड़ की वजह से आया था। तो शायद से इसीलिए सोच रहे हैं कि इसको हटवाते हैं करके, मेरे को तो अच्छा ही लगता है यार कैसे बोलूं, लेकिन फिर वही है कि वो डेंजरस भी है ना बहुत सारे लोगों के लिए, घर के बगल वाले भी हल्ला करते तो उसकी वजह से, है ना? खाली किसी के घर वर में गिर गया फिर हमारे भी घर के ऊपर गिर सकते हैं। हाँ वो कहीं भी गिर सकता है, कभी भी बाई चांस अगर एक भी बिजली उजली गिरी या फिर कभी बहुत तेज बारिश वारिश हो गई तो गिर गया तो खतरनाक हो जाएगा। तो गाइस एक बढ़िया न्यूज है, अभी हम लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाना है, तो थोड़ी देर बाद वहां के लिए भी निकलते हैं। पहले आरटीओ जाएंगे अब, जो कि पहले भी पेंडिंग था हम लोगों का कायदे जाना था, तो आज हम लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे, और थोड़ा बहुत टेस्ट भी होगा तो वो देखेंगे। अब मेरे को ये हो रहा है कि यार वो ना बहुत ऐसा पतली सी जगह है और तुम्हें ऐसे पार्क कर करके दिखानी पड़ती है, और मैं लेके जा रहा हूँ हैरियर। अब तुम्हें पता है हैरियर का डायमेंशन है, बहुत ज्यादा चौड़ी गाड़ी है, लाइक रोड में ही दिक्कत हो जाती है, तो अब पता नहीं। बाकी यार देखता है, अभी मेरे पास ना कोई है ही नहीं यार, कोई जुगाड़ में गाड़ी है ही नहीं दूसरी कोई छोटी गाड़ी, तो यही लेके जानी पड़ेगी अभी, तो देखते जैसे भी रहेगा जो भी रहेगा चलते फिर वही देखेंगे जैसे भी रहेगा, लेकिन आज तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएंगे यार। तो भाई 2:05 हो चुके हैं और निकलने का टाइम है। चल दीदी देखो वहीं से मैं वहां भी छोड़ दूंगा, ठीक है? गोला पार भी तेरे को वहीं से छोड़ दूंगा फटाफटा। ये देखो ये ओए इसका नाम क्या है? मम्मी ब्राउनी हाँ, इसका नाम कुछ और था, इसका नाम कुछ और था, चेरी था इसका नाम, चेरी ब्लॉसम। अभी के लिए तो खाली मैं दीदी और पापा चल रहे हैं, और सौरभ भाई वहीं पे आ जाएंगे, उनको भी क्योंकि अपने उसका था ना नंबर प्लेट का काम वाम था, तो मैंने उनसे बोला था कि आप भी चलो, तो सारे वहीं पे आ जाएंगे। बजाज फटाफट से टेस्ट वेस्ट हो जाए और ड्राइविंग लाइसेंस आ जाए फिर तो मजा आ जाएगा भाई, फिर मैं थोड़ा बहुत स्टेट के बाहर भी ले जा सकता हूँ ना आराम से बिना कोई टेंशन के, तो फिर हम लोग थोड़ी लंबी लंबी राइड्स भी करेंगे, बस आज के ऊपर डिपेंडेंट सही से हो जाए मजा आ जाएगा। भाई सौरभ भाई अभी आया लॉन्ड पहले से तैयार हो गए भाई, ये
लेके मेरी लाल लाल थार डार्लिंग। सौरभ भाई को फिर से यहाँ पर आईटीओ में घेर लिया, मस्त फैन मूवमेंट चल रहा है। बाकी मैं और पीयूषी डिसाइड कर रहे थे कि माइनक्राफ्ट में अगली वीडियो क्या निकाले ब्रो। अब तो पीयूष जोशी गेमिंग, लेट्स गो। तो गाइस सारे का सारा काम आईटीओ का हो गया, अब हम लोग निकल रहे सीधे। मैं दीदी को और शैलजा दी को दोनों को छोड़ के आ जाता हूँ फटाफट से गोलापार में, उनको अपनी फ्रेंड क्या मेरी भी दीदी लगती हूँ तो उनके वहाँ जाने, तो मैं वहाँ पर छोड़ के फिर वापस आएंगे। पापा भी चल रहे ना, हम चलते हैं जल्दी से छोड़ के वापस आएंगे, फिर आराम से घर पे रेस्ट करेंगे। आज बहुत ज्यादा काम हो गया, अभी के लिए तो सीधे निकलते हैं। तो गाइस अभी जस्ट पहुंचे थे, अभी ये अंकिता दी है। तो ये अंकिता दी है जिनके हमें छोड़ना आया था, दीदी हमारी। अरे नहीं नहीं अभी निकल सुबह, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए पापा मैं और राहुल भाई बैठ गए गाड़ी में, अब सीधे निकलते हैं हम लोग घर को। मेरे को बहुत भूख लग रही है यार पापा, है ना यार, बाय गॉड करो। मैंने सुबह से ना खाली दो रोटी खाई हुई है, जल्दी से घर जाते हैं सीधे खाना खाई क्या ढाई। अच्छा हाँ पापा ने, भाई पापा ने ढाई खाई है, सोचे पापा इतने बड़े हैं जबकि। तो फटाफट से चलते हैं और मिलता है तुम लोगों से सीधे घर पे यार। तो गाइस चेंज इन प्लान, हम लोग एक्चुअली अभी रुके हुए जोशी चाट भंडार पे। पापा का मन कर रहा था थोड़ा टिक्की खाने का और मेरे को भी भूख तो लगी रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि ना रुक के खा लेते हैं। गाड़ी अभी यहाँ पर खड़ी हुई है, फटाफट से खाते हो फिर सीधे निकलता है। आज मेरे को नींद भी आ रही है बट एक स्ट्रीम भी मारनी है, तो चलते हैं घर और उसके बाद मिलते हैं। बट पहले मस्त यहाँ पर टिक्की खाते, बढ़िया होती है। मम्मी हट जाओ, शिवांग जी हम छोले भटूरे बना, छोले भटूरे बना रहे आज मम्मी जी। हाँ? ये तुम्हारे लिए चाट आई है, चाट कौन लाया? हम लोग लाए पापा और मैं। तुम ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें नहीं खाने थे और हम जबरदस्ती लिए? ओ मडवे की रोटी बननी क्या? एक मेरे लिए नहीं यार, मेरे लिए मत बनाना आप, मैं बाहर से खा के आ गया। तो गाइस यार फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और अब मेरे को आ रही बहुत ज्यादा नींद, बट मुझे करनी एक छोटी सी स्ट्रीम, तो वो स्ट्रीम करने के बाद मैं सीधे सो जाऊंगा और मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, लगा होगा तो लाइक करना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, 1 मिलियन के पास जा रहे, और जल्दी से ट्राई करना मतलब थोड़ा शेयर वेयर करके 1 मिलियन जल्दी हो जाए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार, बाय।